हाय फ्रेंड्स, मैं उस्वाति। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो फ्रेंड, आज का जो वीडियो होने वाला है वो हॉलवे मेकओवर होने वाला है। जैसे कि हम लोग लिविंग रूम, अपना बैल्कनी, बेडरूम, किचन सब डेकोरेट कर लेते हैं, बट हॉलवे छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। बट इसी को हम लोग को बहुत ही अच्छा मेकओवर देना है। तो कुछ इस टाइप का मेरा हॉलवे दिखता है जिसे मैं मेकओवर करने वाली हूँ। मीशो से सारे के सारे सामान परचेज किए हैं। तो जो आज ये सब जो भी मैं डेकोरेट करूँगी, कुछ मीशो के आइटम है और कुछ DIY मैंने किया हुआ है। तो ये ट्रायंगल शेप है, ये मैंने मीशो से ख़रीदा था। ये फ्रेम भी मैंने मीशो से ख़रीदा था, जो इसके अंदर में है उसे मैंने DIY किया हुआ है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा और आई बटन में भी मैं दे दूँगी। तो कुछ इस टाइप के मैंने ट्रायंगल शेप में लगा लिया है। साइड में आपको फ्रेम मिल जाएंगे और ये आयरन का सेल्फ है तो मैंने इसे भी लगा लिया। एक मेरा बचा हुआ था, दो मैंने डेकोरेट कर दिया था, तीन का सेट मिला हुआ था तो एक मैंने और लगा लिया। फिर यहाँ पे फ्रेम है, यहाँ पे दो रैक का वुडन सेल्फ है जिसे मैंने दो परचेज किया हुआ था, एक डेकोरेट किया था, एक नहीं किया था, तो ये मेरे हॉलवे में काम आ गया। तो जब लगा ही ली हूँ तो डेकोरेट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं क्यूट सा पम्पकिन पॉट मैंने लगाया है, इसके ऊपर में फ्लावर है, लीव है, और यहाँ पे मून शेप में एक फ्लावर पॉट, यहाँ पे क्यूट से मेरे राजस्थानी कपल मैंने यहाँ पे लगा दिया है। और यहाँ पे जो मेरा ट्रायंगल शेप में था, तो ये हैंगिंग प्लांट आप जो देख रहे हो मेरा फेवरेट प्लांट है, तो मैंने इसे यहाँ लगा लिया और एक स्टैचू लगा लिया है। और सेंटर में मैं एक लाइट, कैंडल लाइट ऐसे लगा दूँगी। और यहाँ पे ये जो लैंप देख रहे हैं, ये हैंगिंग लैंप है, इसे मैंने मेले से ख़रीदा था तो उसे मैंने लगा लिया, लाइट जलता है। यहाँ पे एक और, जैसे कि मैंने बताया था कि एक और मैंने सेल्फ ख़रीदा था, तो यहाँ पे मुझे लाइट का कनेक्शन थोड़ा सा दूर पड़ रहा था क्योंकि वायर छोटे पड़ गए थे, तो यहाँ पर मैंने ये वायर लगा करके इसे फिक्स किया और इसे हाइड कर दूँगी ताकि देखने में भी अच्छा लगे। तो इस टाइप के फ्लावर पॉट छोटे छोटे रख दिए हैं और उसको हाइड करने के लिए एक ये हैंगिंग प्लांट लगा दिया है, जो कि पूरा देखने में अच्छा लग रहा है, वो हाइट भी हो गया, अच्छे लग रहे हैं। देन जो यहाँ पे मैंने जो पॉट मैं रख रही हूँ, तो ये पॉट तीन का सेट में मैंने लिया था और ये सिर्फ, आपको विश्वास नहीं होगा, सिर्फ 100 रुपीज़ में। कैसे 100 रुपीज़ में? ये मैंने कोई DIY किया हुआ है। सिर्फ आपको लोकल मार्केट जाना है, वहाँ पे जहाँ पे घड़े मटके जो मिलते हैं, मिट्टी के मिलते हैं, वहाँ से आप ख़रीद के ले आओ। मैंने तीन का लिया है, 100 रुपीज़ में मुझे मिला, मैंने बार्गेनिंग किया और 100 रुपीज़ में तीनों उठा लिया। और इसे पेंट किया, आप अलग अलग तरीके से पेंट कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके से पेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक वार्ली पेंट किया हुआ है, और तो इसे जिसे नहीं भी आता होगा ना, एकदम पुअर होगा पेंटिंग में, वो भी बना लेगा, कर लेगा ईजिली। तो यहाँ पर एक्रेलिक कलर ले लिया, एक ब्रश ले लिया है और इसे मैं पेंट कर लूँगी। सिंपल से हैं सिर्फ, लेकिन आप जब ये मिट्टी के बर्तन जो भी आप लेके आएंगे ना इसे, तो यहाँ पर लोग बॉटल बोल रहा जा रहा था कि इसमें पानी पीते हैं, तो बट मैंने सोचा कि चलो डेकोरेट कर लूँ। तो मैंने 2-3 घंटे के लिए इसे एक बाल्टी में डुबा के रखा था, जितना ये पानी पी सकता था उतना पानी ये पी लिया है। फिर मैंने बाहर निकाला, सुखा दिया है धूप में, और उसके बाद मैं इसे पेंट कर रही। तो ये पेंट मैंने ईजिली कर लिया, यहाँ पहले से पेंसिल से मैंने हल्का हल्का ड्रॉ कर लिया था। एकदम जो जिसे एकदम भी नहीं आता होगा ना, पुअर होगा, उन्हें भी टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, वो भी ईजिली ये बना सकता है, बहुत ही ईजी वे में मैंने बनाया हुआ है।
तो ये हमारा फर्स्ट पेंटिंग बनके तैयार हो गया। और जो दो का पॉट आप देखेंगे बाद में, तो भी बहुत ईजिली बनाया हुआ है कि इतने ईजी तरीके से बनाया जाता है, कोई बच्चे भी बना सकते हैं उसे। आपको बैकग्राउंड से मेरी डॉटर की आवाज़ सुनाई दे रही होंगी, अब छोटे बच्चे हैं तो थोड़ा बहुत तो आवाज़ आएंगे ही, वो खेल रही है। तो इस तरीके से हमारा ये पेंट बनके तैयार हो जाएगा। देन सेकेंड एंड थर्ड बॉटल के लिए आपको मास्किंग टेप लगा लेना है, लोकल शॉप में कहीं भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से मैंने लगा लिया है और दूसरे वाले को सामने सामने ऐसे लगा लिया है बस, और कुछ नहीं करना है। फिर मैंने वाइट कलर के पेंट से इसे पेंट करना शुरू कर दिया। और ये वाकई में जब बन के आया ना, तो इतना सुंदर लग रहा था कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना अच्छा बन के आएगा ये। और इस टाइप से सिंपल वे में भी आप कर सकते हैं। अगर आपको पेंटिंग करने का शौक़ है और आप बहुत अच्छा पेंट करते हैं, तो बहुत तरीके से पेंट कर सकते हैं। इस टाइप का पॉट ना मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है, मैं ऑनलाइन सर्च कर रही थी, स्क्रीनशॉट पे लगा दूंगी। आप इसी टाइप का मिट्टी के बर्तन में बहुत सारे पेंट करके, मतलब 1500-2000 रुपीज़ का ऐसे मिलता है, बट ये मैं 100 रुपीज़ का लेके आई हूँ। और इसे अगर आप ऑयल पेंट भी करेंगे ना, तो बहुत अच्छे तरीके से ये उसमें आ जाएगा और बहुत खूबसूरत लगेगा। तो देखिए मैं मास्किंग टेप हटा रही हूँ, कुछ इस टाइप से मेरा बन के आया, देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। इस टाइप के मिट्टी के बर्तन ला करके अपने घर को बहुत सुंदर से डेकोरेट कर सकते हैं और सजा सकते हैं। आप लोग मेरे मेकओवर को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स देते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो हॉलवे को जो लोग इग्नोर करते हैं, जैसे कि मैंने भी इग्नोर किया हुआ था, तो इसे मैंने डेकोरेट किया है बहुत ही कम बजट में। तो है, और जो बचे हुए थे ज़मीन के, तो यहाँ पे मैंने प्लांटर जो मीशो से मंगाया है 3 का सेट, उसे लगा लिया। एक बेंच मेरे पास था, डाइनिंग के बेंच थे, तो उसे मैंने यहाँ लगाया। और मिस्टर एंड मिसेस के यहाँ पे कुशन कवर लगा लिया और साइड में एक प्लांटर और लगा लिया। बस हमारा बनके तैयार हो गया है फाइनल लुक। आप देखो कैसा लग रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताना। Thank you.
मेरा हॉलवे डेकोर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। आप जितना यहाँ पे मैंने जो भी प्रोडक्ट यूज़ किया हुआ है, मीशो से परचेस किया था और कुछ DIY था, तो DIY वाला का मैं आप लोगों को लिंक दे दूँगी, और जिसे अभी बनाया है वो तो आपने देख ही लिया, और जो मैंने मीशो से परचेस किया हुआ था उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, चेकआउट करना ना भूले। तो ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा, फैमिली फ्रेंड का शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन के थ्रू वो आप तक पहुँच जाए और वीडियो बिल्कुल भी मिस ना हो। तो फ्रेंड मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं आपके लिए इतने अच्छे अच्छे वीडियो लेके आती हूँ, एक छोटे से बेबी के साथ में मैं मेहनत कर रही हूँ और वीडियो शूट कर रही हूँ आप लोग के लिए, ताकि वो आपके लिए हेल्पफुल हो पाए। तो ये हमारा हॉलवे डेकोर था, अच्छा लगा है तो सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।